गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सीयू कोलकाता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने सीयू 2011 कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन, छोटा सा प्रॉब्लम है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनेंशियल प्लान वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई? इक्विटी प्लान, इक्विटी प्रीफरेंस शेयर प्लान, इक्विटी और डेप्ट प्लान, तीन प्लान है। पहला ओनली इक्विटी से फाइनेंसिंग होगा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंसिंग होगा, इक्विटी और डेट से फाइनेंसिंग होगा। तो पहले केस में अर्निंग पर शेयर 9.50 रुपया है, प्राइस अर्निंग रेशियो 20 है। यही इक्विटी प्रेफरेंस में 8 रुपया है और 17 है। इक्विटी डेट में 11.25 और 16 है। तो बस छोटा सा सवाल है, तो इसमें कौन सा प्लान बेटर है? तो हमको यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर पता चल जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो और अर्निंग पर शेयर अगर इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से मार्केट प्राइस आ जाएगा। तीनों प्लान का मार्केट प्राइस आ जाएगा और जिसका मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, वही प्लान हम लोग रेकमेंड कर देंगे। इसको इससे इंटू अगर कर दिया जाए तो 190 रुपया हो जाएगा, इसको इससे इंटू किया जाए तो 136 हो जाएगा, इससे इंटू किया जाए तो 180 हो जाएगा। यहाँ वाला बेसी हो रहा है 190, तो इक्विटी प्लान रिकमेंड होगा। ठीक है, देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जानिए मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होगा अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो अगर करते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। तो हम लोग का पहला है फॉर इक्विटी प्लान, ठीक है, फॉर इक्विटी प्लान। तो फॉर इक्विटी प्लान में अगर अर्निंग पर शेयर देखे तो अर्निंग पर शेयर है ₹9.50 और प्राइस अर्निंग रेशियो देखे तो है 20, तो इसका इंटू कर देंगे तो 190 रुपया आ जाएगा। इसके बाद है फॉर इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर प्लान सेकेंड प्लान है। इसमें आपका अर्निंग पर शेयर है 18 और प्राइस अर्निंग है 17, तो इसको इंटू करते हैं तो 136 आता है। और लास्ट है इक्विटी एंड डेप्ट प्लान, फॉर इक्विटी एंड डेप्ट प्लान। इक्विटी और डेट प्लान में प्राइस अर्निंग रेशियो है 11.25 और अर्निंग पर शेयर है ₹11.25, प्राइस अर्निंग है 16, तो इसका आएगा ₹180। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां आया था इक्विटी प्लान में 190, इक्विटी प्रिफरेंस प्लान में 136 और इसमें आ गया 180, तो हेंस इक्विटी प्लान, हेंस इक्विटी प्लान शुड बी रिकमेंडेड, इक्विटी प्लान शुड बी रिकमेंडेड, ओके, शुड बी रिकमेंडेड एज इट मैक्सिमाइजेस द मार्केट प्राइस पर शेयर। क्लियर? तो हम लोग इक्विटी प्लान को रिकमेंड करेंगे क्योंकि इक्विटी प्लान पे मार्केट प्राइस पर शेयर ये मैक्सिमम आया है। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो, तीन प्लान था, इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी डेप्ट, अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया था, जस्ट इनको इंटू कर देना है, इंटू कर देने से मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो कौन सा प्लान रिकमेंड करेंगे एंड व्हाई? तो यहाँ पर पहला वाला इक्विटी प्लान में मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा आया है इन दोनों की तुलना में,
तो इसको रेकमेंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।